स्वामी विवेकानंद जी जब भारत के भविष्य की बात करते थे, अपनी आंखों के सामने मां भारती की भव्यता का जब वो दर्शन करते थे, तब वो कहते थे, जहां तक हो सके अतीत की ओर देखो, जहां तक हो सके अतीत की ओर देखो, पीछे जो चीर नूतन झरना बह रहा है, पीछे जो चीर नूतन झरना बह रहा है, अकंठ उसका जल पियो। और उसके बाद देखिए स्वामी विवेकानंद जी की विशेषता, उसके बाद सामने की ओर देखो, आगे बढ़ो और भारत को पहले से भी कहीं ज्यादा उज्जवल, महान, श्रेष्ठ बनाओ। आजादी के 75वें वर्ष में हमारा दायित्व है कि अब हम देश के असीम सामर्थ्य पर विश्वास करते हुए आगे बढ़े। हमें मिलकर काम करना होगा नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हमें मिलकर काम करना होगा वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हमें मिलकर काम करना होगा कटिंग एज इनोवेशंस के लिए, हमें मिलकर काम करना होगा न्यू एज टेक्नोलॉजी के लिए। मेरे प्यारे देशवासियों, आधुनिक विश्व में प्रगति की बुनियाद आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खड़ी होती है। ये मध्यम वर्ग की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं की भी पूर्ति करते हैं। कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा नुकसान विकास की गति को भी होता है, शहरी मध्यम वर्ग को भी होता है। मेरे प्यारे देशवासियों, इसी बात को समझते हुए जल थल नभ हर क्षेत्र में देश ने असाधारण स्पीड और स्केल पर काम करके दिखाया है। नए जलमार्ग वाटरवेज हो, नए नए स्थानों को सी प्लेन से जोड़ना हो, देश में बहुत तेजी से काम चल रहा है। भारतीय रेलवे भी तेजी से आधुनिक अवतार में ढल रही है। देश ने संकल्प लिया है कि आजादी के अमृत महोत्सव के, आजादी के अमृत महोत्सव आपको मालूम होगा, हमने इस आजादी के अमृत महोत्सव को 75 सप्ताह तक मनाना तय किया है। 12 मार्च से शुरू हुआ है और 2023 15 अगस्त तक इसको चलाना है, उत्साह भर से आगे बढ़ना है। और इसलिए देश ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है, आजादी के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह में, इन 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत ट्रेनें देश के हर कोने को आपस से जोड़े करके रही होगी। आज जिस गति से देश में नए एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, उड़ान योजना दूर दराज के इलाकों को जोड़ रही है, यह अभूतपूर्व है। आज हम देख रहे हैं कि कैसे बेहतर एयर कनेक्टिविटी लोगों के सपनों को नई उड़ान देती है। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में होलिस्टिक अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाने की बहुत जरूरत है। भारत आने वाले कुछ ही समय में प्रधानमंत्री गतिशक्ति का नेशनल मास्टर प्लान, उसको देश के सामने करोड़ों देशवासियों को सपना करने वाली एक बहुत बड़ी योजना लेकर के हम आपके सामने आने वाले हैं।
उसको लॉन्च करने वाले हैं। 100 लाख करोड़ से भी अधिक की योजना लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आने वाली है। गतिशक्ति हमारे देश के लिए एक ऐसा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान होगा जो होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखेगा, हमारी इकोनॉमी को एक इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक पाथवे देगा। अभी हम देखते हैं कि हमारे ट्रांसपोर्ट के साधनों में कोई तालमेल नहीं होता। गतिशक्ति साइलोस को तोड़ेगी, भविष्य के रास्ते से हम इन सब रोड़ों को, जितनी कठिनाइयां हैं उनको हटाएगी। इससे सामान्य मानकी के लिए ट्रेवल टाइम में कमी आएगी और हमारी इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी और भी बढ़ेगी। गतिशक्ति हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव करने में भी बहुत बड़ी मदद करेगी और इससे फ्यूचर इकोनॉमिक जोन्स के निर्माण की नई संभावनाएं भी विकसित होगी। अमृतकाल के इस दशक में गति की शक्ति भारत के कायाकल्प का आधार बनेगी।